सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्दी पहनते हैं वही क्या देशभक्त होते हैं, मेरा कहना आप समझ रहे हैं। और मैं आपसे, आपके हाथ से मैं कुरान को पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है, अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा, क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए, ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहां पर है वो, अगर कोई गया है या किसने बोला है, मेरा माथा काम नहीं करता है। कहां है, किधर है? भाई साहब का तीन सवाल है। पहला सवाल है, भाई साहब ने कहा है कि वर्दी पहनने से क्या वो देशभक्त बन जाता है, ये आपका सवाल था। मैं वर्दी पहनने से देशभक्त नहीं बनता है, बहुत से लोग वर्दी पहन के अपने देश से गद्दारी भी करते हैं। तो वर्दी पहनने वाला देशभक्त जरूरी नहीं है, जो अपने देश की रक्षा करता है और देश के लिए काम करता है वो सही इंसान है। वर्दी जरूरी नहीं, वर्दी है या नहीं है वो कुछ अहम क्राइटेरिया नहीं। दूसरा सवाल, आप चाहते कुरान मजीद मुझसे ले पा सकते हैं। तीसरा, कि मैं कभी सोचता हूँ कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना। भाई साहब आपने कभी किसी को 10 मारने से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा तो 10 मारने से खुद ही मारेंगे, मारो खुद ही ना, क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है? आपने किसी को मरते हुए देखा 10 मारने से खुद ही मारते हुए? नहीं सर, सुना सिर्फ ना, सुना यकीन क्या है ना अपने बुद्धि पे। तो यही चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर को देखूंगा तो ही मानूंगा, क्या आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए अमेरिका ही क्या नहीं? आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब, आप 10 मारे से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर ही बोलेंगे अच्छा 10 मारे से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा। ये जरूरी नहीं देखना, अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा क्या बात सच है क्या बात गलत है। तो आप जब पढ़ते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो आपकी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है आप उसमें नहीं मानते, तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते, 20% एम्बिग्यूस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने आज ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने यह भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते भाई साहब। सर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है, तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है स्वामी विवेकानंद ना, कि खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या? नहीं, इंसान गलती कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है सर, कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूँ, गलती क्या तो बोलूंगा सॉरी भाई, इंसान हूँ गलती कर सकता हूँ, कर सकते क्या नहीं? तो अगर स्वामी विवेकानंद ना वेद के खिलाफ बात करते तो उसकी बात मत मानो, जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे, मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना, स्वामी विवेकानंद ना दूर की बात है। मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा 2 स्टैंडर्ड है, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते, मैं यहां आया हूं लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए।